हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे अपनी जो सेकंड यूनिट थी अपनी जूलॉजी की, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज अपन अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, मानव भ्रौणिकी के बारे में, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर आता है जो 31 का है, मानव में युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, अपना चैप्टर का नेम है। और ये जो यूनिट है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी मानव भ्रौणिकी की, एग्जाम में 5 नंबर की आती है, 5। और इस पूरी की पूरी यूनिट से ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या फिर 2 नंबर का। तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, छोटे छोटे लेसन है इसमें। हर लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट अपने टॉपिक बनेंगे, टॉपिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी मैं आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले युग्मक जनन के बारे में जानते हैं कि युग्मक जनन होता क्या है। तो युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस किसको बोला जाता है? तो जो आद्य जनन कोशिकाएं या प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जो मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, वो किसका निर्माण करती है? युग्मकों का निर्माण करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को युग्मक जनन बोला जाता है। ठीक है, गैमेट्स का मतलब, युग्मकों का मतलब आप जानते होंगे, जिसमें अपना शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं वो क्या है? युग्मक है। तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल या फिर आद्य जनन जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर युग्मक निर्माण की प्रोसेस क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे लेसन से, युग्मक जनन क्या होता है, शुक्र जनन क्या होता है, अंड जनन क्या होता है, इनकी जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेस से भी छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है, इस युग्मक जनन की प्रक्रिया में मेल जो होते हैं नर में वर्षण के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। और जो फीमेल होती है उनमें अंडाशय ओवेरी जो होता है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। जो बाइसेक्सुअल प्राणी होते हैं जिनको द्विलिंगी प्राणी बोला जाता है, उनमें नर एवं मादा युग्मक जो होते हैं उनका फॉर्मेशन एक ही प्राणी में होता है। बट जो एकलिंगी प्राणी होते हैं, यूनिसेक्सुअल जो प्राणी होते हैं, उनमें क्या होता है? नर युग्मक का फॉर्मेशन, जो शुक्राणुओं का फॉर्मेशन जो होता है वो मेल में होता है, और अंडाणुओं का फॉर्मेशन जो होता है वो फीमेल में होता है। ठीक है, और ये जो युग्मक जनन की जो प्रोसेस होती है ना, ये किस हार्मोन के द्वारा उत्प्रेरित होती है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, FSH जिसको बोला जाता है, पुटिका उत्तेजक हार्मोन, जिसे अपन इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस हार्मोन के द्वारा युग्मक जनन की प्रोसेस क्या होती है? उद्दीप्त होती है। तो युग्मक जनन की जो प्रोसेस होती है इसमें अपन दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन शुक्र जनन के बारे में, एंड सेकंड पढ़ेंगे अपन अंड जनन के बारे में। तो जो सबसे पहले अपन बात करते हैं शुक्र जनन की प्रोसेस की, अपना टॉपिक है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो शुक्र जनन क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो नर की जो भी आद्य कोशिकाएं होती है, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, उनके द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। तो नर के अंदर जो ये शुक्र जनन की प्रोसेस होती है, ये 74 दिन जो होते हैं उसमें कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसमें अपन दो जो स्टेप होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो होगा वो होगा अपना शुक्राणु पूर्व का निर्माण। ओके, फर्स्ट स्टेप में होगा शुक्राणु पूर्व का निर्माण। शुक्राणु पूर्व मतलब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। और सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा शुक्राणु में रूपांतरण या स्पर्मेटोलिएसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुक्राणु पूर्व का जो अपना फर्स्ट स्टेप है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इस अपने फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? जैसे ही जो प्राणी होता है वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तब क्या होता है? जो नर की जो आद्य जनन कोशिकाएं होती है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है इस स्टेप के अंदर। और वो किस प्रकार से होगा? वो 3 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होगा। फर्स्ट प्रावस्था तो होगी अपनी गुणन प्रावस्था, सेकेंड प्रावस्था होगी अपनी वर्धी प्रावस्था, और थर्ड प्रावस्था होगी अपनी परिपक्व प्रावस्था। और ये तीनों के तीनों प्रावस्थाएं अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या होता है। प्रावस्था में सबसे क्या पहले क्या होगा? तो जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती है, ये अपनी आद्य जनन कोशिका बोल सकते हैं इसको, या फिर जनन एपिथीलियम कोशिका बोल सकते हैं। ठीक है,
ये अपनी आद्य जनन कोशिका होती है। इस आद्य जनन कोशिका में बारंबार समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, इसमें एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तब अपने पास दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो इनसे भी दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे लगातार समसूत्री विभाजन होता जाएगा, एक सेल से दो सेल्स बन जाएगी, दो से फिर चार बन जाएंगे, इस प्रकार जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होती रहती हैं। इसीलिए इस प्रावस्था को क्या बोला गया है, गुणन प्रावस्था बोला गया है, क्योंकि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं, आद्य जनन कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें बारंबार समसूत्री विभाजन के थ्रू क्या हो रही है, उनमें वृद्धि हो रही है। तो इसमें ये क्या होता है, अपना समसूत्री विभाजन होता है और ये अपने क्या है, शुक्राणुजन क्या है, सेल्स हैं। इनको शुक्राणुजन या पुमणुजन सेल्स भी बोल सकते हैं, या शुक्राणु मात्रक कोशिका भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। ओके, तो ये जो इतनी प्रावस्था होगी, ये अपनी कौन सी प्रावस्था होगी, ये अपनी फर्स्ट प्रावस्था होगी, गुणन प्रावस्था। यहाँ तक कि अपनी जो ये प्रावस्था है, ये गुणन प्रावस्था है। मैं एक बार फिर से इस स्टेप को क्लियर कर रही हूँ। आद्य जनन कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें बारंबार समसूत्री विभाजन होता है, एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये दोनों सेल्स चार सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो सेल्स बन रही हैं, इन सेल्स को शुक्राणुजन सेल्स या फिर पुमणुजन सेल्स बोल सकते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। अब सेकंड स्टेप अपना आता है वर्दी प्रावस्था, एंड इस प्रावस्था में क्या होता है, इस प्रावस्था में अपनी जो ये शुक्राणुजन सेल्स होती है, ये शुक्राणुजन सेल्स पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ी हो जाती है। अब ये कोशिका, मान लीजिए कोई भी सेल्स है, ये पोषण प्राप्त कर आकार में दोगुनी हो जाएगी, लगभग बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको आकार में ये बड़ी हो गई पोषण प्राप्त करके। अब इस सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ शुक्राणुजन जो सेल्स थी वो पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ी हो जाती है, तो इस सेल्स को अब अपन बोलेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये अपनी कौन सी कोशिका है, प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब ये जो प्रावस्था थी, ये अपनी वर्दी प्रावस्था थी, वर्दी प्रावस्था क्लियर हो गई, पोषण प्राप्त कर जो शुक्राणुजन कोशिका थी वो आकार में बड़ी हो जाती है। अब थर्ड अपना स्टेप आता है, ये अपना फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड अपना प्रीपक्वन प्रावस्था है। अब प्रीपक्वन प्रावस्था में क्या होता है, अपनी जो प्राथमिक शुक्र कोशिका होती है, इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। ये इस प्रावस्थाओं को दो उप प्रावस्थाओं में बटा गया है, अपनी जो ये प्रीपक्वन प्रावस्था है इसको दो प्रावस्थाओं में बटा गया है। दो प्रावस्थाएं कौन सी, प्राथमिक प्रीपक्वन प्रावस्था और दूसरी अपनी द्वितीयक प्रीपक्वन प्रावस्था। तो प्राथमिक प्रीपक्वन प्रावस्था में क्या होता है, प्राथमिक प्रीपक्वन प्रावस्था में अपनी जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये अपना जो 2n है ये क्या हो जाएगा, एन, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या होता है, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है ये। अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अपनी वर्दी प्रावस्था में जो अपने को प्राथमिक शुक्र कोशिका प्राप्त हुई थी, अब वहां से किसका फॉर्मेशन होगा, द्वितीयक शुक्र कोशिका का। ये अपनी द्वितीयक शुक्र कोशिका है, और जो ये द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं अपने को प्राप्त हुई है, इस द्वितीयक शुक्र कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, ठीक है। इसको सम विभाजन भी बोल सकते हैं, समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसमें अपने जो गुणसूत्रों की संख्या है वो बिल्कुल सेम टू सेम रह जाती है। तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो क्या होगा, अपने पास ये चार सेल्स प्राप्त होंगी। अब ये चार सेल्स जो अपने को प्राप्त हुई हैं, ये क्या है, अगुणित स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, अगुणित स्पर्मेटिड्स, या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, पूर्व शुक्राणु, ठीक है, पूर्व शुक्राणु या फिर शुक्राणु जनन कोशिका भी बोल सकते हैं इनको। ये अपने शुक्राणु पूर्व हो गए और इन्हीं शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से किसका फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। अब ये अपने शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं या फिर अगुणित जो अपनी ये स्पर्मेटिड्स हैं, इनके द्वारा शुक्राणुओं का जो फॉर्मेशन होगा वो
सेकंड जो अपना ये शुक्राणु में रूपांतरण की जो प्रोसेस थी इसमें होगा। यहाँ तक सिर्फ अपने शुक्राणु पूर्व जो स्टेप था इसको क्लियर किया है। मैं एक बार सारी की सारी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रही हूँ। अपना जो ये होता है शुक्र जनन, किसको बोलते हैं अपन, जो नर के अंदर जो आद्य जनन कोशिकाएं या प्रिमोर्डियल जनन सेल्स जो या फिर जनन उपकला कोशिकाएं जो होती हैं, उन जनन उपकला कोशिकाओं के द्वारा किसका फॉर्मेशन होना, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होना। क्योंकि लास्ट में इन आद्य जनन कोशिकाओं से अपने पास में जो संरचना बनकर आती है, जो सेल्स बन के आती है, वो शुक्राणु होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी शुक्र जनन की कि आद्य जनन कोशिकाएं या प्रिमोर्डियल जनन सेल या फिर जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले अपन शुक्राणु पूर्व प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने ये तीन स्टेप आते हैं, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। अब जो गुणन प्रावस्था होती है उसमें क्या होता है, जो आद्य जनन कोशिकाएं होती है उनमें बारंबार समसूत्री विभाजन हो रहा है, और बारंबार समसूत्री विभाजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, लगातार सेल्स की संख्या में गुणन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है वो, इसीलिए इस प्रावस्था को क्या बोला गया, गुणन प्रावस्था बोला गया है। तो बारंबार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो सेल्स अपने पास बनकर आते हैं उनको शुक्राणु जन सेल्स बोलते हैं अपन। अब ये जो शुक्राणु सेल्स है इसमें से सिर्फ अपने एक सेल्स की स्टडी कर रहे हो कि ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अपने एक सेल ही है, बाकी सारी सेल्स होंगी उनमें भी सेम टू सेम प्रोसेस होगी। तो जो शुक्राणु जन कोशिकाएं जो होती है वो पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ी हो जाती है, लगभग दोगुनी सी हो जाती है। इसका साइज आपको कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सेकेंड स्टेप वर्धी प्रावस्था में होता है, वर्धी प्रावस्था में क्या होता है, प्रथम जो अपनी गुणन प्रावस्था होती है उस प्रथम गुणन प्रावस्था के फलस्वरूप जो शुक्राणुजन कोशिकाएं बनी है वो शुक्राणुजन कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ी हो जाती है, जिनको प्राथमिक शुक्र कोशिका बोला जाता है। अब लास्ट स्टेप आता है अपना परिपक्व प्रावस्था का, ये परिपक्व प्रावस्था का स्टेप है। और परिपक्व प्रावस्था जो होती है वो दो प्रावस्थाओं में बटी होती है, प्राथमिक परिपक्व प्रावस्था और द्वितीयक परिपक्व प्रावस्था। प्राथमिक परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, जो सेल्स अपने पास बनकर आती हैं उन सेल्स का नाम होता है द्वितीयक शुक्र कोशिका। ओके, अब जो द्वितीयक शुक्र कोशिका अपने पास बनकर आती है इनके अंदर क्या होता है, अपना जो सेकंड स्टेप अप्लाई हो जाता है परिपक्व प्रावस्था का, द्वितीयक परिपक्व प्रावस्था यहाँ पर आती है, और द्वितीयक शुक्र कोशिका के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के थ्रू अपने पास शुक्राणु पूर्व सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर ये जो शुक्राणु पूर्व सेल्स या फिर एगुणित शुक्राणु जो होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करते हैं। वो कौन से स्टेप में होता है, वो शुक्राणुओं के रूपांतरण का जो अपने पास सेकंड स्टेप होता है उस स्टेप में वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, यहां तक अपना फर्स्ट स्टेप सब हो क्लियर। अपन सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। अपने ने पढ़ा था शुक्राणुओं में रूपांतरण या फिर शुक्र जनन भी बोला जाता है या फिर स्पर्मेटियोजेनेसिस प्रोसेस भी बोला जाता है इसको। तो शुक्र जनन क्या होता है, अपने जो ये शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं होती हैं या पूर्व जो शुक्राणु होते हैं इनके द्वारा शुक्राणुओं के बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन कहलाती है। ओके, इसको अपन शुक्र कायांतरण भी बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बता देती हूँ कि किस प्रकार से शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, इसके जो प्रमुख स्टेप हैं। अपन जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें अपन डिटेल से स्टडी भी करेंगे इस चीज के ऊपर कि जो अपना ये शुक्राणु होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो अपन जो जो ये स्टेप पढ़ रहे हैं ये आगे भी काम में आएंगे अपने, ठीक है। तो अपन शुक्राणुओं में कायांतरण, अब जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका अपने पास एंडिंग में आई थी उसके द्वारा शुक्राणुओं का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है अपन देखेंगे। रूपांतरण या शुक्र जनन का जो सेकंड स्टेप है मैं इसमें सिर्फ आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इसके जितने भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, शीर्ष भाग का निर्माण होगा, एग्रोसोम का निर्माण होगा, मध्य खंड या पुच्छ भाग का निर्माण होगा, वो सारे के सारे जो अपने प्रोसेस होंगे वो अपन जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें इसका डायग्राम देख लेंगे कि एग्रोसोम कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग कहाँ पे होता है, पुच्छ भाग का निर्माण कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या, जो अपनी शुक्राणु पूर्वी कोशिका अपने को प्राप्त हुई थी उस शुक्राणु पूर्वी कोशिका से जल बाहर निकल जाता है, और जल बाहर निकल जाता है कोशिका द्रव्य जो होता है उसका गाढ़ा हो जाता है। जब कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है तब क्या होता है, वो कोशिका के निचले भाग में एकत्रित होने लग जाता है, ठीक है, सेल्स के निचले भाग में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, अपना जो मध्य भाग होता है और कुछ भाग होता है उसका निर्माण होता है। अब शीर्ष भाग के बाद में सेकंड जो है अपना मध्य भाग और कुछ भाग का निर्माण होता है। तो जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका के
के नीचे की ओर एक तरफ एकत्रित होता है, उससे फिर क्या होता है, अपने मध्य में पुच्छ भाग का निर्माण होता है। जो कोशिका होती है उस कोशिका से तारक केंद्रक निकलते हैं। अपनी जो सेल होती है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर उपस्थित जो तारक केंद्रक होती है, उस तारक केंद्रक से एक सूत्र निकलता है और फिर उस सूत्र के चारों ओर क्या लिपट जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया लिपट जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, मध्य भाग का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, जो अपना केंद्रक की ओर स्थित जो तारक केंद्रक होता है ना, उसको अपन स्मीपस तारक केंद्रक बोलते हैं और जो अपना मध्य भाग की ओर नीचे की ओर जो अपना तारक केंद्रक स्थित होता है उसको क्या बोल देते हैं, दूरस्थ तारक केंद्रक बोलते हैं। उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, एग्रोसोम जो संरचना होती है उसका निर्माण है। एग्रोसोम का निर्माण इम्पोर्टेंट भी है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो अपनी शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती है उन शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से किस प्रकार से एग्रोसोम का निर्माण होता है, तो एग्रोसोम के निर्माण में किसकी भूमिका होती है, अपनी गोल्जीकाए की। अपनी सेल्स के अंदर जो अभी अपनी गोल्जीकाए गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है ना, वो सेल से बाहर निकलकर जो ऊपरी सिरा होता है उस पर टोपीनुमा एक संरचना बना लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रोसोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ रिक्तिका भी पाई जाती है और रिक्तिकाओं के अंदर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, एग्रोसोम कण बोलते हैं। और ये जो एग्रोसोम कण होते हैं, ये एग्रोसोम कण फर्टिलाइजेशन के टाइम, निषेचन के टाइम जो अंडाणु की जो कलाएं होती है, अंडाणु के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उन मेम्ब्रेन को घोलने का कार्य करते हैं, क्योंकि कुछ रसायन एग्रोसोम पार्ट के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपना अंडाणु होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो गल जाती है, उनको घोलने का कार्य करता है, ताकि जो अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अपने निषेचन की जो भी प्रक्रिया होती है वो आसानी से कंप्लीट हो सके। ओके, अब जब ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका से शुक्राणु का ये निर्माण हुआ है, इसके शीर्ष भाग का निर्माण हो गया, इसके मध्य में पुच्छ भाग का निर्माण हो गया, एग्रोसोम का निर्माण हो गया, इसमें क्या क्या रूपांतरण हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस शुक्राणु पूर्वी कोशिका में, और शुक्राणु किस प्रकार के स्ट्रक्चर में परिवर्तित हुआ है, अगर अपने इस चीज के ऊपर डिस्कस करें, तो अपना जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका थी वो शुक्राणु पूर्वी कोशिका शुक्राणु रूपांतरण या शुक्र जनन की प्रोसेस के द्वारा क्रियात्मक रूप से या फिर आकारिक रूप से विभेदित एक शुक्राणु में कन्वर्ट हुआ है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका। ठीक है, क्योंकि अपनी जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका थी उसी ने शुक्राणु का फॉर्मेशन किया है, जिसमें अपनी जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं थी, या फिर अपन बोल सकते हैं जो शुक्राणु अपना शुक्राणु पूर्वी कोशिका जो थी, जिसमें अपने शुक्राणु की स्ट्रक्चर कैसी थी, अगुणित था, गोलाकार था तथा अगतिशील था, क्योंकि गतिशीलता उसमें पुच्छ भाग के निर्माण के बाद में आई है, तो अपना गोलाकार अगतिशील और अगुणित जो शुक्राणु था वो शुक्र कायांतरण के पश्चात किस में कन्वर्ट हुआ है, जो गतिशील और धागे समान गोलाकार जो शुक्राणु था उसमें कन्वर्ट हुआ है। या फिर मैन अगर मैं पॉइंट यहाँ पर बताऊँ, तो शुक्राणु पूर्वी जो अपनी कोशिका थी वो क्या होती है, अगतिशील होती है, उसमें गति नहीं पाई जाती, जबकि अपन जानते हैं शुक्राणु जो होते हैं उनमें गति पाई जाती है, वो गमन करके जाते हैं, मतलब अपना जो वेजाइना पार्ट होता है वहां से शुक्राणु क्या करते हैं, गति करते हुए और अपनी फिलोपियन ट्यूब जो होती है जहां पर अंड कोशिका पाई जाती है वहां तक गमन करके जाते हैं, क्योंकि गतिशीलता का जो गुण पाया जाता है वो शुक्राणुओं में पाया जाता है, अंडाणुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जो अपना शुक्राणु पूर्वी कोशिका में जो अपना अगतिशील शुक्राणु था वो गतिशील शुक्राणु में कन्वर्ट हुआ है, और जो अपना उसके अंदर पुच्छ भाग का निर्माण हुआ है, मध्य भाग का निर्माण हुआ है, शीर्ष भाग का निर्माण हुआ है, जो अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद में अपना जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु का जो सिर हेड वाला जो पार्ट होता है वो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है उन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर घुसा हुआ रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में शुक्राणु त्याग या स्पर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में इनको शुक्राणु जो नलिकाएं होती हैं उनमें त्याग दिया जाता है। प्राणी जो होते हैं ना, प्राणियों के अंदर ये शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है ये अलग अलग अवस्थाओं पर अलग अलग अवस्थाओं के कंट्रोल में रहती है, जैसे इसमें अपने हार्मोन्स का बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है, मानसिक अवस्था भी प्रभावित करती है इस प्रोसेस को, अपने बाहर का जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट का या फिर बॉडी जो टेम्परेचर है वो भी इस चीज को इफेक्ट करता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे ये प्रोसेस उस शुक्राणु निर्माण की जो अपनी प्रोसेस होती है प्रक्रिया होती है ना उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि अपना जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लीडिंग सेल्स जो होते हैं उनको उद्दीप्त करता है, जो फिर ये सेल्स क्या करती है एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है और ये एंड्रोजन हार्मोन फिर शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। और लास्ट में अगर अपन शुक्राणु जो होते हैं अगर इनके जीवन काल की बात करें तो नॉर्मल जो कंडीशन होते हैं ना उस नॉर्मल कंडीशन में 50 से 60 मिनट तक इनका जीवन काल होता है, बट इनको शीत भंडारण करके या फिर भोजन की इनकी उपलब्धता जो होती है वो अवेलेबल करवा के अपन जो होता है इसको लॉन्ग टाइम तक लंबे टाइम तक इनको संरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना उसमें अपन डिस्कस करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में और फीमेल जो होती है उनके अंदर अंड जनन की प्रोसेस के बारे में।